साहब ने कलमेश्वर मार्ग पर स्थित कोयला खदान मोड़ पिछले कई दिनों से हादसों का मोड़ बनता जा रहा है। उक्त स्थान पर स्पीड ब्रेकर आगे चौराहा है। दुर्घटना स्थल आदि फलक और रास्तों पर लाइट लगाने की मांग समाजसेवी द्वारा की जा रही है। बता दें कि करीब 5-6 माह पहले ही साहब ने कलमेश्वर गोनखेरी फोरलेन मार्ग की निर्मित कर उसे आवागमन हेतु शुरू किया गया है। फोरलेन महामार्ग होने से वाहन चालक अपनी गति से वाहन चलाते हैं और कोई वाहन अचानक से आगे आने की स्थिति में घबराहट से इस फोरलेन मार्ग पर अनेकों छोटे बड़े सड़क हादसों में अनेकों की जान गई, वही अनेकों को अपने हाथ पैर तुड़वाने पड़े। आए दिन उक्त मार्ग पर सड़क हादसा होना कोई नई बात नहीं। इसी मार्ग पर मुख्य सड़क से कोयला खदान कामगार और अधिकारी कर्मचारियों के आवास और खदाने होने से उक्त टी पॉइंट पर हमेशा ही वाहनों का आवागमन रहता है, तो वहीं थोड़ी दूरी पर वैकोली द्वारा निर्मित इको पार्क होने से पर्यटकों का तांता लगा रहता है। हाल ही में उक्त स्थान पर अनेकों हादसों से उक्त स्थानों को हादसों का टर्निंग पॉइंट भी कहा जाने लगा है। उक्त स्थान पर महामार्ग निर्माण करने वाली कंपनी द्वारा या वैकोली प्रबंधन सामने द्वारा स्पीड ब्रेकर लाइट और दुर्घटनाग्रस्त स्थान सूचक फलक लगाने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता श्याम चौहान, हितेश बंसोड़, कामगार नेता गुणवंत लांजेवार, दुर्गा प्रसाद केथल, भालचंद्र गाजीपुरी, मुकद्दर शेख, संजय रिवार आदि ने की है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये ब्रेकर हो जाए, 2-3 ब्रेकर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ नौजवान लोग जो हैं बहुत स्पीड से चलते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है। और दूसरी बात, इको पार्क के चलते यहाँ भीड़ बहुत काफ़ी होती है। जैसे संडे हो गया, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो इसको देखते हुए यहाँ कुछ ना कुछ ये रोक लगना चाहिए, जिससे हमारा एक्सीडेंट कम। इथे तर रात्रीच्या वेळेसला लाईटाची खूप गरज आहे, कारण की इथे अंधार खूप जास्त असतो आणि इथे इको गार्डन असल्यामुळे इथे जे पर्यटन लोकांची संख्यासुद्धा हे वाढलेली आहे, पण इथे लोकांची येणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे लोकांना इथे स्पीड ब्रेकर मिळणं गरजेचं आहे। आणि हा रोड नवीन बनल्यामुळे इथे जर वेळ ठिकाणी ठिकाणीवर जर बोर्ड लावले, जेणेकरून इथे दुर्घटनेचा मार्ग आहे, वळण मार्ग आहे, तर मला असं वाटतं की अपघात कमी होण्याचे चान्सेस होऊ शकतात। इसके अंदर मैं सबसे पहले तो बता रहा हूँ कि स्पीड ब्रेकर तो पहला जरूरी चीज़ नहीं, हाईवे के ऊपर में स्पीड ब्रेकर नहीं लगाई जाती, इस प्रकार से कुछ पॉलिसी है। ये सर्विस है, छोटा वाला जो रोड जो WCL जा रहा है, इस पर स्पीड ब्रेकर होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो भी ये बच्चे, कई बार क्या होता है, भागम भाग दुनिया में लोग जो है टेंशन में रहते हैं, उनको पहले अपना एम दिखाई देता है, ये भूल जाते हैं कि अपन मेन हाईवे पर चढ़ने जा रहे हैं और स्पीड से आते हैं और स्पीड से निकलने की कोशिश करते हैं, और उसका कारण ही है कि यहाँ पर एक्सीडेंट होता है। स्पीड ब्रेकर यहाँ पर बहुत जरूरी है, त्वरित तुरंत के तुरंत इसकी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं प्रशासन या फिर जो भी होगा PWD रास्ता कब तक देख रहा है कि एक्सीडेंट बड़ा बड़ा हो जाए, जब 10-25 लोग मर जाए तभी बनेगा क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं था, इनको तुरंत बनाना था, लेकिन अभी तक बना नहीं। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ आप लोग के माध्यम से कि यहाँ पर जितना जल्दी हो सके स्पीड ब्रेकर और लाइट की व्यवस्था तुरंत की जाए। सावनेर से NBCN न्यूज़ के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की ग्राउंड रिपोर्ट।